में धर्म युद्ध की जीत है। वोट जियाद के लिए राहुल गांधी उद्धव ठाकरे ने जो मालेगांव में पैसा भेजा था, अभी तक ईडी ने 363 करोड़ रुपया रिकवर किया है। यह जो पराभव है वो उद्धव ठाकरे और संजय राउत के जो कोविड में किए घोटाले का और उनके घमंड का पराभव है। आज महायुति की सरकार ने जो गए 2.25 साल में जो विकास के काम किए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी ने कहा हम एक है तो सेफ है, योगी जी ने कहा हम बटेंगे तो कटेंगे, और देवेंद्र फडणवीस ने कहा वोट जियाद के विरुद्ध धर्मयुद्ध। छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाला महाराष्ट्र ने वोट जिहाद को कैसे रोका जा सकता है यह प्रत्यक्ष बता दिया। मैं महाराष्ट्र के वोटर्स को धन्यवाद देता हूँ। वोट जिया था विरुद्ध धर्म युद्ध था विजय। ज्या पद्धतीने उद्धव ठाकरे आणि संजय राऊतनी जी माफियागरी महाराष्ट्रात चालवली होती, ज्या कोविडमध्ये घोटाळे केले लोकांचा जीवाती खेळण्याचा पाप उद्धव ठाकरे यांनी केलं होतं, त्या उद्धव ठाकरेच्या घमंडाचा पराभव आहे। गेल्या 2.25 वर्षात महायुतीच्या सरकारने जे विकासाची नीती नरेंद्र मोदी जी ने सांगितलं हम एक है तो सेफ है, योगी जी म्हणाले बटेंगे तो कटेंगे, आणि देवेंद्र फडणवीस ने सांगितलं वोट जियादच्या विरोधात धर्मयुद्ध। छत्रपती शिवाजी महाराजाचा महाराष्ट्रने आज देशाला आणि जगाला दाखवून दिलं की लेन जियाद लव जियाद आणि वोट जियादला आपण कसे थांबू शकतो, पराभूत करू शकतो। बैलेट पेपर पर चुनाव की मांग कर रहे, बोल रहे ये नतीजा में मंजूर नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, प्रश्न ये पूछना चाहिए क्या विपक्ष का नेता कोई बन पाएगा क्या? जिस पद्धति से महाविकास आघाड़ी 50-55 किसी भी उनमें से किसी भी दल को जो अधिकृत विपक्ष नेता बनने के लिए 29 सीटें वो मिल पाएगी क्या? सीएम महाराष्ट्र का होगा, हम अभिमान ले सके ऐसा होगा, महायुति को विकास के पद पर ले जाने वाला होगा। रायली गोट संजय राउत हो, संजय राउत आणि उद्धव ठाकरे आता लवकरच त्यांनी त्यांची घोटाळेबाद उद्धट सेनाचं विसर्जन करण्याचा निर्णय घ्यावा।